अपने पिछले वीडियोस में हम लोग मुगलों के बारे में और उसके बाद मराठों के बारे में बातचीत किए थे। मुगल काल आपको बताया था कि भारत में भारतीय इतिहास का एक बहुत ही चमकीला काल रहा, जिसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें हुई और उस दौर में जो मुगल बादशाह थे उन मुगल बादशाहों की व्यक्तिगत रुचि भी ऐसी थी कि कई सारी चीज़ों का विकास उस दौर में होता है। ये जो प्रारंभिक मुगल बादशाह थे, इनकी जो धार्मिक नीति थी, जो रिलीजियस पॉलिसी थी, हालांकि थे ये सारे एक साथ मुसलमान, लेकिन धर्म को इन्होंने अपनी राजनीति में बहुत बखूबी इस्तेमाल किया। बखूबी इस्तेमाल करने का मतलब है कि जहां ज़रूरत पड़ती थी वहां ये धार्मिक हो जाते थे, और जहां ज़रूरत नहीं पड़ती थी वहां ये सेकुलर भी हो जाते थे। तो इस मामले में ये बड़े प्रैक्टिकल हुआ करते थे शुरुआती जो दौर के जो मुगल बादशाह थे। जैसे अगर पहला जो मुगल बादशाह था बाबर की बात करें, तो बाबर जब भारत आ रहा था तो रास्ते में उसके सिपाहियों ने एक बार नानक देव, गुरु नानक देव जो सिखों के पहले धर्मगुरु थे, उनको गिरफ्तार कर लिया था। बाद में जब काफिला रुका, बाद में बाबर को बताया कि भाई गिरफ्तार हुए हैं, एक धर्मगुरु हैं। तो पूछा कि भाई काहे गिरफ्तार कर दिया, हमारे खिलाफ कुछ कह रहे थे या हमारी नीतियों की आलोचना कर रहे थे? तो सिपाही ने कहा कि नहीं, ऐसे रास्ते में जा रहे थे, पकड़ लिया। तो बाबर ने छुड़वा दिया कि नहीं, अगर हमारे खिलाफ कोई उनका प्रयास नहीं है, हमारे खिलाफ कोई अभियान नहीं चला रहे हैं, तो उनको छोड़ दिया जाए। तो वहाँ पर बहुत ही धार्मिक उदारता का परिचय देता है बाबर। वही बाबर जब खानवा के मैदान में फंसता है और जब उसका सामना राणा सांगा से होने को रहता है, और उसके सिपाहियों में, बाबर के सिपाहियों में राणा सांगा के नाम की दहशत होती है। राणा सांगा बड़े बहादुर योद्धा थे, 80 युद्धों के विजेता थे, कभी पराजित नहीं हुए थे। तो उसके सिपाहियों का मोरल बिल्कुल डाउन था, तो सिपाहियों का मोरल हाई करने के लिए उसने जिहाद का नारा दिया और धर्म का नारा दिया कि हम इस्लाम को बढ़ावा देंगे और ये हिंदू है इनको हम हराएंगे। तो ये जो धर्म का नारा, उसने जिहाद का नारा दिया खानवा की लड़ाई में, तो यहाँ पर वो धर्म की कट्टरता दिखाता, यानी उस धर्म का इस्तेमाल उसने बखूबी किया अपने लिए। तो यही मुगल बादशाहों की जो धार्मिक नीति थी कि वो बिल्कुल प्रैक्टिकल हुआ करते थे, जरूरत पड़ने पर धार्मिक हो जाते थे, जरूरत पड़ने पर सेकुलर हो जाते थे। इसीलिए इस मुस्लिम काल में, यद्यपि ये मुगल काल मुस्लिम काल था, लेकिन इस मुस्लिम काल में भारत में धर्म के नाम पर कुछ नई और कुछ अच्छी चीज़ें भी देखी जाती हैं। जैसे हिंदू धर्म में हम देखते हैं कि रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी, अकबर के काल में लिखी गई, या सूरदास जैसे कब भक्त या मीराबाई जैसी संत, ये लोग उभर के आते हैं। और इसी दौर में एक नए धर्म का उदय होता है जिसको सिख धर्म कहा जाता है। तो जो सिख धर्म का उदय था, ये भी मुगल काल के ही दौरान हुआ था। इस सिख धर्म के पहले जो धर्मगुरु थे, गुरु नानक देव, गुरु नानक देव ने ही सिख धर्म की स्थापना की थी, संस्थापना की थी। गुरु नानक देव का जो जीवन था, 1469 में उनका जन्म हुआ था, उनकी मृत्यु 1539 यानी 1539 में हुई थी। शुरुआती जो दौर था इनका, तो शुरुआती दौर में ये इब्राहिम लोदी, जो लोदी अंतिम लोदी सुल्तान था, इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। बाद में फिर बाबर के समय में ये रहे और हुमायूं के समय में 1539 में इनकी मृत्यु होती है। इनका जन्म जो था ये तलवंडी में हुआ था और इनकी मृत्यु जो थी करतारपुर, करतारपुर जो पंजाब बॉर्डर पर है, पाकिस्तान में भी करतारपुर जो कॉरिडोर खोला गया है भारत और पाकिस्तान के बीच, तो वहीं करतारपुर में गुरु नानक देव की मृत्यु हुई थी। गुरु नानक देव जाति से खत्री थे और इन्होंने ही नानक पंथ की स्थापना की थी, और इन्होंने ही अपने यहाँ जो अपने शिष्य थे, तो शिष्य का ही बिगड़ा हुआ रूप है सिख। तो जो सिख शब्द बना है ये किससे बना है? शिष्य से। तो शिष्य का ही बिगड़ा हुआ, तो इन्हीं के जो शिष्य होते थे उनको सिख कहा गया, और यही जो नया धर्म चला या पहले पंथ चला है, बाद में वही धर्म परिवर्तित हो गया, उसी को नाम दिया गया सिख धर्म। इसी सिख धर्म को पॉपुलर जो हुआ, उसमें इन्होंने सबसे पहले लंगर व्यवस्था, लंगर का मतलब कोई जो इनके पास इनके अनुयायी आते थे उनको भोजन वगैरह की व्यवस्था कराते थे, तो उसी को लंगर व्यवस्था कहते थे। तो इन्होंने लंगर व्यवस्था शुरू कर दी थी, हालांकि लंगर व्यवस्था को उन्होंने बहुत रेगुलराइज नहीं किया। फिर इसके बाद गुरु नानक के बाद इनके जो शिष्य थे अंगद दूसरे सिख गुरु बनते हैं। गुरु अंगद का जो समय काल था 1539 टू 1552, 1539 से 1552 का था। तो गुरु अंगद ने क्या किया कि खादुर एक जगह है पंजाब में, तो खादुर में इन्होंने गुरु गद्दी यानी जहाँ पर गुरु बैठते हैं, गुरु गद्दी की स्थापना की। और इन्होंने ही, गुरु अंगद ने ही जो लंगर व्यवस्था गुरु नानक ने शुरू की थी, तो उस लंगर व्यवस्था को बिल्कुल रेगुलर कर दिया कि नियमित रूप से लंगर, यानी जो भी गुरु के पास आएगा उसको भोजन मिलेगा। तो लंगर को बिल्कुल नियमित किया, बिल्कुल रेगुलराइज किया, किसने? गुरु अंगद देव ने। ठीक, इन्हीं गुरु अंगद देव को ही माना जाता है कि जो सिखों की जो लिपि है गुरुमुखी, गुरुमुखी लिपि का जो विकास है या गुरुमुखी लिपि का जो आविष्कार है, जो स्क्रिप्ट है जो गुरुमुखी में पंजाबी लिखते हैं, तो उसका भी आविष्कारक माना जाता है गुरु अंगद को।
गुरु अंगद के बाद अगले जो गुरु बने गुरु अमरदास 1552 से 1574 तक। ये जो गुरु अमरदास थे इनका काल आप देख सकते हैं कि ये अकबर के समकालीन थे, अकबर के कंटेम्प्ररी थे। और इन्होंने जो अपने गुरु गद्दी स्थापित की थी, यानी जहाँ पर ये बैठते थे, वो गोविंदवाल में इन्होंने अपनी गद्दी स्थापित की। और इन्हीं से मिलने के लिए अकबर खुद, जब अकबर बादशाह था तो अकबर खुद गोविंदवाल में इनसे मिलने के लिए आया था। और इनको जो है कि अकबर ने कुछ अपनी इनकी जो बेटी थी बीबी भानी, तो गुरु अमरदास की बेटी बीबी भानी थी, तो इन्हीं बेटी बीबी भानी को उन्होंने कुछ अकबर ने कुछ जमीन दी थी। बीबी भानी, तो बीबी भानी किसकी बेटी थी? अमरदास की बेटी थी। तो जब अकबर मिलने के लिए आया था तो उनकी बेटी के नाम कुछ जमीन उसने दे दी थी। बाद में इन्हीं बीबी भानी की जो शादी हुई थी वो गुरु रामदास से हुई थी। तो अगले जो गुरु रामदास थे, ये गुरु अमरदास के क्या थे? इनके दामाद थे, सन इन लॉ। बीबी भानी के ही पति थे गुरु रामदास, गुरु रामदास। तो इन्हीं को अकबर ने 500 बीघा जमीन दान दी थी गुरु रामदास को। और इसी 500 बीघा जमीन पर अमृतसर जो बना, जो अमृतसर का जो बहुत बड़ा आप देखते हैं सिखों का सबसे पवित्र स्थान है, वो अकबर ने जो 500 बीघा जमीन दान दी थी गुरु रामदास को, उसी पर अमृत शहर बसा। यहीं पर इन्होंने पहले उस जगह का नाम जो था रामदासपुर था, उसी रामदासपुर का नाम बदल के इन्होंने क्या कर दिया था? अमृतसर। तो अगर कहा जाए कि अमृतसर की स्थापना किसने की थी, तो गुरु रामदास ने की थी। गुरु रामदास ने क्या किया कि अपने तीसरे बेटे अर्जुन देव को गुरु नियुक्त कर दिया, और इन्होंने ही गुरु का पद जो था वो पैतृक कर दिया, यानी वंशानुगत हेरिडिटरी चलने लगा। पहले क्या था कि जो ये इनके शिष्य थे इनके दामाद थे, अब क्या था कि वंशानुगत हो गया, यानी बाप का बेटा उसका बेटा ये कंटिन्यू होने लगा। तो जो अर्जुन देव थे ये गुरु रामदास के तीसरे बेटे थे, यानी गुरु रामदास और बीबी भानी के तीसरे बेटे थे। इनको इन्होंने गुरु गद्दी सौंपी और तब से फिर गुरु का जो पद है वो पैतृक बन गया। गुरु अर्जुन देव को सच्चा पातशाह कहा जाता है। इन्होंने अमृतसर में एक संतोषतर नामक एक तालाब था, उस तालाब का निर्माण करवाया था अमृतसर में। और इन्होंने 1589 में गुरु अर्जुन देव ने 1589 हरमिंदर साहिब यानी जो अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल है, हरमिंदर साहिब उसको कहा जाता है, तो उस हरमिंदर साहिब का जो निर्माण था वो 1589 में किसने करवाया था? गुरु अर्जुन देव। और गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? पांचवें गुरु थे। हरमिंदर साहिब जिसको गोल्डन टेम्पल हम लोग कहते हैं, तो इन्होंने हरमिंदर साहिब का निर्माण कराया था। हरमिंदर साहिब वो जो स्वर्ण मंदिर है, उस हरमिंदर साहिब की जो नींव थी, माना जाता है कि सूफी संत थे कादरी संप्रदाय के मियाँ मीर, तो मियाँ मीर भी पंजाब में ही थे, पंजाब में ही अपना ये अपने उपदेश वगैरह देते थे। तो मियाँ मीर से ही हरमिंदर साहिब यानी गोल्डन टेम्पल की नींव रखवाई गई थी। इन्होंने ही तरन तारण और करतारपुर नामक शहर की स्थापना करवाई थी। इन्होंने गुरु अर्जुन देव ने सिखों को, जो इनके फॉलोअर्स थे, इनको अपनी आय का 1/10 हिस्सा एक स्पिरिचुअल टैक्स के रूप में, आध्यात्मिक कर के रूप में लगाने का निर्देश दिया, जिससे क्या होता था कि इनकी इनकम थोड़ी सी बढ़ जाती थी। तो सिखों की अपनी आय का 1/10 हिस्सा देना पड़ता था जो इनके फॉलोअर्स हुआ करते थे। इन्हीं गुरु अर्जुन देव को माना जाता है कि इन्होंने ही 1604 में 1604 आदि ग्रंथ, जिसको गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है, इस आदि ग्रंथ का जो निर्माण था, यानी आदि ग्रंथ की जो रचना थी, वो किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने, जो पांचवें गुरु माने जाते हैं और यही सिखों की सबसे पवित्र पुस्तक मानी जाती है। तो ये आदि ग्रंथ किसने लिखी? गुरु अर्जुन देव ने लिखी थी। हालांकि गुरु अर्जुन देव राजनीतिक रूप से उतने सक्रिय तो नहीं थे, लेकिन बाद में जब औरंगजेब, क्या नाम था अकबर के बेटे का, जहांगीर जब बादशाह बना, तो जहांगीर का बेटा था खुसरो। आपको मुगलों में बताया था कि खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। तो जब खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था, तो खुसरो विद्रोह करके फिर इन्हीं के पास गया था, गुरु अर्जुन देव के पास। तो अर्जुन देव ने उसको शरण दी थी, भाई शरण मांगने आया था, तो उसको शरण दी थी और उसको समर्थन भी दिया। तो जब गुरु अर्जुन देव ने खुसरो को समर्थन दिया, इसी बात से जहांगीर नाराज हो जाता है और जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दे दिया। इन्हीं ने इनको सजा दे दी थी और बहुत सारी पेनल्टी भी लगाई थी इन लोगों के ऊपर।
तो इसके बाद इनके बेटे अगले बने गुरु हरगोविंद। हरगोविंद का जो समय काल था 606 से 645 तक। अब ये जो हरगोविंद थे, ये देख रहे थे कि मुगलों का दबाव बढ़ता चला जा रहा था, तो मुगलों के बढ़ते हुए दबाव की वजह से इन्होंने क्या किया कि सिखों को एक लड़ाकू संप्रदाय योद्धाओं के रूप में बदल दिया। पहले सिख क्या थे कि एक धार्मिक संप्रदाय थे, लड़ाई झगड़ा में इंटरेस्ट नहीं लेते थे, पता है था राजनीति में साम्राज्य इस तरीके की चीज़ें ये लोग नहीं करते थे। लेकिन सिखों को जो योद्धा बनाया, जो लड़ाकू जाति में बदला, वो गुरु हरगोविंद की ही देन है। इन्होंने ही अमृतसर जो था, अमृतसर शहर इनका जो सबसे पवित्र शहर माना जाता था, उस अमृतसर शहर की इन्होंने किलेबंदी कर दी। और इसी अमृतसर में 12 फीट ऊंचा, 12 फीट की ऊंचाई पर एक अकाल तख्त बनवाया। तो जो अकाल तख्त है, तो वो किसने बनवाया था? अर्जुन देव ने। अकाल तख्त, तो अकाल तख्त की स्थापना किसने की? गुरु अर्जुन देव ने बनवाई थी। ये सिखों के लिए बड़ा पवित्र जगह है। इन्होंने सिखों को योद्धा बनने के साथ साथ शारीरिक शक्ति को बढ़ाने का उद्देश्य दिया था, और इसके लिए मांसाहार यानी जो मांस वगैरह होता था, मीट से ज़्यादा ऊर्जा मिलती थी, तो मांस वगैरह खाने की परमिशन दे दी थी कि जो सिख हैं यानी इनके जो अनुयायी हैं वो मांस वगैरह खा सकते हैं, हथियार रख सकते हैं, सारी चीज़ों की परमिशन इन्होंने दे दिया था। हालांकि जहांगीर से इनकी भी नहीं बनी थी, क्योंकि इनके जो पिता थे अर्जुन देव के ऊपर जहांगीर ने बहुत सारा जुर्माना लगाया था, तो जुर्माने की रकम हरगोविंद ने अदा नहीं की थी। तो जो गुरुदेव गुरु हरगोविंद ने जब जुर्माने की रकम नहीं अदा की, तो इसी के कारण जहांगीर ने इनको 2 साल जेल में रखा, यानी 2 साल की कैद दी कि इन्होंने अपने पिता का जुर्माना का रकम नहीं चुकाया था। बाद में कीरतपुर में ही इनकी मौत हो गई थी। फिर इनकी मौत के बाद अगले गुरु बने गुरु हरराय, 1645 से 1661। गुरु हरराय जो थे, ये उस समय बने थे जब जहांगीर का शासन था, जहांगीर बूढ़ा हो रहा था और दारा शिकोह का असर था। दारा शिकोह शुरुआत में अच्छे असर में था, औरंगजेब का प्रभाव थोड़ा कम था, लेकिन जब जहांगीर का उत्तराधिकार युद्ध शुरू हुआ तो इन्होंने दारा शिकोह का ही फेवर किया था, दारा शिकोह का पक्ष लिया था। सामूगढ़ की जो लड़ाई हुई थी जिसमें दारा शिकोह पराजित हुआ था, तो पराजित होकर इनसे मिला था जाके गुरु हरराय से। गुरु हरराय ने दारा शिकोह की थोड़ी बहुत मदद की थी, लेकिन बाद में फिर औरंगजेब ने सबको हरा दिया। तो जब औरंगजेब दिल्ली की गद्दी पर बैठा, औरंगजेब बादशाह बना, तो वो नाराज़ था इनसे, तो इनको दिल्ली उसने औरंगजेब ने बुलवाया कि भाई आप आइए, अब आपको सजा दी जाएगी। तो जो गुरु हरराय थे, ये खुद तो नहीं गए, इन्होंने अपने बेटे राम राय को भेजा। यानी औरंगजेब के पास इन्होंने किसको भेजा? अपने बड़े बेटे थे इनके राम राय, राम राय को भेजा था। लेकिन राम राय ने वहाँ जाके जो औरंगजेब के साथ कुछ ऐसी मतलब चाटुकारितापूर्ण बात की, जिससे औरंगजेब इससे खुश हो गया। औरंगजेब तो इनसे राम राय से खुश हो गया, लेकिन इनकी चाटुकारितापूर्ण बात की वजह से गुरु हरराय के स्वाभिमान को बहुत धक्का लगा और ये नाराज हो गए। इन्होंने अपने बेटे से बहुत नाराजगी जाहिर की, इसलिए इन्होंने अपनी गद्दी अपने बड़े बेटे को ना देके अपने छोटे बेटे को दी। यानी जो इनके बेटे थे हरकिशन, इनकी उम्र मात्र 6 साल की थी, 6 साल की उम्र में गद्दी थी, क्योंकि औरंगजेब से मिलने के बाद ऐसा व्यवहार इन्होंने किया कि जिसकी वजह से नाराज हो गए थे। तो गुरु गद्दी जो थी हरराय के बाद जो थी वो गुरु हरकिशन को मिलती है। और जो हरराय थे, हरराय चले जाते हैं देहरादून में, और देहरादून में उन्होंने अपनी अलग गुरु गद्दी स्थापित कर ली। इसके बाद ये अलग हो गए, और जो हरकिशन थे गुरु, ये बने हरकिशन थे, माइनर थे, छोटे थे, और बाद में बीमार भी पड़े, और बहुत कम अवस्था में, बहुत थोड़ी सी अवस्था में चेचक से इनकी मौत हो गई। चेचक से इनकी मौत होने के बाद गुरु हरगोविंद के एक और बेटे थे गुरु तेग बहादुर। तो अगले गुरु बनते हैं गुरु तेग बहादुर। जो गुरु तेग बहादुर थे 1664 से 1675 तक, तो जो गुरु तेग बहादुर थे ये गुरु हरगोविंद के ही बेटे थे। तेग बहादुर जो थे ये भी एक अच्छे योद्धा थे। औरंगजेब से इनकी बड़ी तगड़ी टक्कर हुई, बाद में औरंगजेब ने इनको बच्चों समेत गिरफ्तार करवा लिया था, इनको अरेस्ट करवा दिया गया था, और इन्हें इस्लाम स्वीकार करने के लिए कहा गया था। गुरु तेग बहादुर कहा गया था कि आप इस्लाम स्वीकार कर लेंगे तो आपको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम स्वीकार करने से बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया था कि हम कुछ भी करेंगे, इस्लाम स्वीकार नहीं करेंगे। तो 5 दिनों तक औरंगजेब ने इनको तड़पाया, तड़पा तड़पा कि इनको 5 दिनों तक लगातार यातनाएं दी गई थी, और 5 दिनों तक लगातार तड़पाते हुए औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी।
तो जब इनकी हत्या हुई अगले गुरु बनते हैं गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जो टाइम पीरियड था 1675 से 1708 तक 1708। तो ये जो गुरु गोविंद सिंह थे इनका जो जन्म हुआ था ये 1666 में पटना में इनका जन्म हुआ था और यही सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। इन्होंने ही सिख साम्राज्य का सबसे ज़्यादा विस्तार किया, हिमाचल प्रदेश में पाउंटा की स्थापना की और पाउंटा में ही कृष्णावतार नामक एक रचना की। इन्होंने चंदीदीवर नामक एक किताब लिखी, उस चंदीदीवर में ये इनकी आत्मकथा थी, चंदीदीवर में इन्होंने उस समय के समकालीन जो घटनाएं थी उसको लिखा था। इन्होंने विचित्र नाटक की भी रचना की थी। इन्होंने 4 किले बनवाए थे, आनंदगढ़, केशगढ़, लोहगढ़ और फतेहगढ़। तो ये 4 किले बनाए थे, वही पंजाब में इन्होंने 4 किले बनवाए थे। और इन्होंने ही 1690 में मुगलों से नादौन का युद्ध लड़ा था, तो उस नादौन के युद्ध में इन्होंने मुगलों की तरफ से जो सेनापति भेजा गया था उसको बुरी तरीके से पराजित किया। और 1699 में इन्होंने अपने अनुयायी जो थे, सिख फॉलोअर्स थे, उन अनुयायियों को इन्होंने केशगढ़ बुलाया और केशगढ़ में बुला के वैशाखी के दिन, वैशाखी का जो त्यौहार था पंजाब का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, वैशाखी के दिन ही उन्होंने केशगढ़ में खालसा पंथ की स्थापना की। तो जो खालसा पंथ था इसकी स्थापना इन्होंने कब की, 1699 खालसा। तो खालसा का मतलब होता है जैसे हम लोग बोलते हैं बड़ा खालिस, प्योर, शुद्ध। तो जो शुद्ध लोग होते हैं उन्हें को खालिस बोला जाता था, तो इसीलिए उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करवाई थी 1699 में केशगढ़ में। और यहीं पर उन्होंने एक नाटक के स्वरूप में पंच प्यारों को चुना था। पंच प्यारों को चुनने का मतलब है कि इन्होंने एक मंच पर अपने अनुयायियों को चुना कि अब धर्म की रक्षा के लिए 5 व्यक्ति हमें चाहिए जो शहीद हो सकते हैं, जो गुरु के नाम पर अपनी जान दे सकते हैं। तो एक व्यक्ति उठा तो उसको पर्दे के पीछे लेके गए और तलवार से वार किया और तलवार लगी हुई खून लेके वापस आए, खून में लगी हुई तलवार थी, वापस आए, बोला कि एक आदमी शहीद हो गया, अब दूसरा कौन आएगा। फिर दूसरे को लेके गए अंदर, उसका सर कलम किया, फिर खून से सनी हुई तलवार लेके ऐसे करके 5 लोगों को लेके गए। फिर बाद में पता चला कि वो 5ों को पर्दे के पीछे उन शिष्यों को नहीं, वो 5 बकरों को उन्होंने हलाल किया था। तो वहीं उनके पंच प्यारे कहलाए थे जो 5 बकरों को उन्होंने हलाल किया था, हालांकि उनके शिष्य थे। तो शिष्य क्योंकि जान देने के लिए आतुर थे अपने कि हम गुरु के लिए हंसते हंसते अपनी जान दे सकते हैं, तो वह उन्होंने कहा कि ऐसे लोग हैं जो हमारे दान दे सकते हैं। तो उन्होंने उन व्यक्तियों को नहीं, उनके स्थान पर बकरों को हलाल किया था ताकि लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। और यही जो 5वें इनके शिष्य थे उनको पंच प्यारे कहा गया। और इसी खालसा पंथ में इन्होंने पंचककार यानी जो सिख हैं, सिखों को 5 चीज़ें धारण करना अनिवार्य कहा, जिसमें क यानी 5 क होते थे, जिसमें 5 क में केश यानी उनको लंबे बाल रखने होंगे, कंघा बाल संवारने के लिए कंघा होना चाहिए, कृपाण यानी अपने लिए हमेशा एक कृपाण यानी खंजर अपने पास हमेशा रखेंगे, और एक कड़ा यानी हाथ में वो कड़ा पहनते थे सिख, और कच्छा। तो ये जो 5 चीज़ें होती थी इन्हें कहा जाता था पंचककार। तो ये 5ों को ग्रहण करने का उन्होंने आदेश दिया और यहीं पर कहा कि जो सिखों के जो पुरुष अनुयायी होंगे, जो मेल फॉलोअर्स होंगे, वो अपने नाम के आगे सिंह लगाएंगे, और जो महिला होंगी, महिला जो सिख फॉलोअर्स होंगी, वो अपने नाम के आगे कौर लगाएंगे। यानी जो मेल होंगे यानी पुरुष आप सिखों के नाम देखेंगे तो उनके नाम के आगे लिखा रहेगा सिंह, और जो फीमेल इनके फॉलोअर्स होंगी महिला तो इनके आगे नाम लगेगा कौर। तो पुरुषों के आगे सिंह, महिलाओं के आगे कौर लगाने की जो शुरुआत थी ये इन्होंने ही की थी, गुरु गोविंद सिंह ने ही की थी। और इन्होंने यहाँ पर अपने जो अनुयायियों को इकट्ठा किया और खालसा में लगभग माना जाता है कि 80,000 की फौज इन्होंने तैयार की थी, और उसी 80,000 की फौज के साथ इन्होंने औरंगजेब को बड़ी कड़ी टक्कर दी और औरंगजेब से एक एक करके बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई। सबसे बड़ी जो इनकी लड़ाई कुछ जो लड़ी गई थी औरंगजेब से, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। औरंगजेब से जो इन्होंने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें सबसे पहले 1701 में आनंदपुर की लड़ाई हुई थी, 1701 आनंद
पुर के प्रथम युद्ध। तो इस आनंदपुर के प्रथम युद्ध में ये अनिर्णायक था, अपना औरंगजेब के आदेश पर, औरंगजेब का एक सरदार था भीमचंद, उसने आक्रमण किया था। भीमचंद से अभी अनिर्णायक लड़ाई लड़ी, तो फिर 3 साल बाद दूसरी लड़ाई हुई 1704 में। तो 1704 में आनंदपुर का द्वितीय युद्ध हुआ, दूसरी लड़ाई। ये दूसरी लड़ाई में गुरु गोविंद सिंह विजयी होते हैं, और हालांकि इनके जो दो बेटे थे जोरावर सिंह और फतेह सिंह, तो जोरावर सिंह और फतेह सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। जोरावर सिंह और फतेह सिंह, इन दोनों बेटों को अरेस्ट कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। और इन्हीं को जब अरेस्ट किया गया और ज़बरदस्ती इनको इस्लाम स्वीकार कराने की कोशिश की गई, जब इन दोनों ने, जोरावर सिंह और फतेह सिंह ने, इस्लाम स्वीकार नहीं किया, तो फिर इन दोनों को जिंदा दीवाल में चुनवा दिया गया। तो इन्होंने जिंदा दीवाल में चुनवाना अपने आप को पसंद किया, लेकिन इस्लाम स्वीकार नहीं किया। इसी सदमे से गुरु गोविंद सिंह की जो माँ थी, क्योंकि इन दोनों के साथ गुरु गोविंद सिंह की जो माता जी थी उनको भी अरेस्ट कर लिया गया था, तो गुरु गोविंद सिंह की माता जी के सामने ही इन दोनों को दीवाल में जिंदा चुनवाया गया था। तो उनके सामने ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो उनकी माता जी दुखी हुई, और उसी में गुरु गोविंद सिंह की माता जी की भी मौत हो जाती है। इसके बाद 1705 में चकमौर का युद्ध होता है, 1705 बैटल ऑफ चकमौर, चकमौर का युद्ध। ठीक, तो इस चकमौर के युद्ध में इनके दो और बेटे जो थे, अजीत सिंह और जुझार सिंह, जो वो दोनों मारे गए। तो पहले दो बेटे फतेह सिंह और जोरावर सिंह, उन लोग को दीवाल में चुनवा दिया गया, और चकमौर के युद्ध में जो अजीत सिंह और जुझार सिंह, इन दोनों की मौत हो गई। गुरु गोविंद सिंह हालांकि वहां से निकल गए थे। फिर 1705 में ही खिदराना का युद्ध हुआ था, उस खिदराना के युद्ध में मुगलों को इन्होंने पराजित किया था, 1705 में खिदराना, बैटल ऑफ खिदराना। तो इसमें गुरु गोविंद सिंह विजयी हुए थे। तो इन युद्धों के दौरान जो आपको बताया था, गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की थी, तो लगातार मुगलों से संघर्ष के दौरान जो आदि ग्रंथ था वो कहीं खो गया, गुम हो गया था। तो गुम होने की वजह से आदि ग्रंथ मिल नहीं रहा था, कहीं खो गया था, लूटपाट में कहीं चला गया था। तो इन्होंने क्या किया कि दोबारा फिर से आदि ग्रंथ का संकलन किया, इसीलिए इसको दशम पातशाह ग्रंथ भी कहते हैं। यानी गुरु गोविंद सिंह के समय, क्योंकि इन लगातार लड़ाइयों की वजह से माहौल बिल्कुल ख़राब था, तो आदि ग्रंथ जो गुरु अर्जुन देव ने लिखा था, सिखों का जो पवित्र ग्रंथ था, वो गायब हो गया था। तो उस आदि ग्रंथ का इन्होंने फिर से संकलन कराया, इसलिए आदि ग्रंथ को दशम पातशाह भी कहते हैं, या दशम पातशाह ग्रंथ भी कहा जाता है, क्योंकि इसको गुरु गोविंद सिंह ने फिर से इसको कलेक्ट करवाया था। ठीक, चलिए, फिर बाद में 1707 में ये औरंगजेब की तरफ आगे बढ़ रहे थे, और नांदेड़ में इनकी हत्या का प्रयास किया, और एक मुस्लिम सरदार ने इनके ऊपर हमला कर दिया। हालांकि उस मुस्लिम सरदार की हत्या इन्होंने कर दी, लेकिन ये घायल हो गए थे, और उसी घायल अवस्था में ही 1708 में नांदेड़ में इनकी मृत्यु हो जाती है, नांदेड़, 1708। तो घायल हुए थे, लेकिन जिसने घायल किया था उसको इन्होंने मरते मरते मार दिया था, और उसके बाद फिर वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुई, तो मृत्यु से पहले, यानी जब घायल हुए थे, तो इन्होंने दो मुख्य काम कर दिए थे। पहला काम, तो ये जो गुरु गद्दी वाला सिस्टम था, क्योंकि गुरु गद्दी अब धीरे धीरे करके राजनीतिक हो रहा था, तो अब धर्म को राजनीति से अलग करना चाहते थे। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई गुरु का काम धर्म का प्रचार है, राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने गुरु गद्दी का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया कि अब कोई गुरु गद्दी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जहाँ कोई गुरु नहीं होगा सिखों का, जहाँ 5 सिख इकट्ठा हुए, यानी जहाँ 5 सिख इकट्ठा हो गए, वहीं समझ लीजिए गुरु हो गए, यानी 5 सिख सरदार जहाँ इकट्ठा हुए वहीं गुरु मान लिए गए। बाकी ये जो गुरु का पद था उन्होंने समाप्त कर दिया कि अब कोई गुरु नहीं होंगे, बस 5 सिख इकट्ठा हो गए वहीं गुरु मान लिए जाएंगे। ठीक, और जो गुरुवाणी लिखी गई है, जो गुरु जी के शब्द हैं, वही इनके लिए अमर होगा। और इन्होंने अपना, इनका एक शिष्य था बंदा बहादुर, बंदा बहादुर को इन्होंने अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया कि अब तुम इससे जो है कि राजनीतिक रूप से शासन करोगे, धार्मिक गुरु नहीं होगे। तो इसके बाद जो बंदा बहादुर था उसने कमान संभाली 1708 में, यानी अब जो सिखों के जो 10 गुरु थे वो समाप्त हो गए, और अब कौन शुरू होता है, बंदा बहादुर।
इसका बंदा बहादुर का जो समय काल था 1708 में शुरू होता है। हालांकि बंदा बहादुर भी गुरु गोविंद सिंह की तरह ही वीर योद्धा थे और इन्होंने औरंगजेब मुगलों के खिलाफ लगातार संघर्ष जारी रखा। औरंगजेब का जो बेटा था बहादुर शाह फर्स्ट, उससे लगातार इन्होंने संघर्ष किया, सिखों का विद्रोह का नेतृत्व किया, लेकिन बाद में फारूक शेर ने इसको गिरफ्तार करवा लिया बंदा बहादुर को। तो बंदा बहादुर को फारूक शेर ने 1716 में दिल्ली में फांसी की सजा सुना दी और इनको 1716 में फांसी दे दी गई। तो जब फांसी दी गई बंदा बहादुर को, तो इससे समझ लिया कि सिखों का जो भाग्य था अपने सबसे निचले स्तर पर चला गया। तो सिखों का भाग्य निचले स्तर पर चला जरूर गया, लेकिन जो गुरु गोविंद सिंह जो काम करके गए थे कि सिखों को संगठित करके गए थे, वो चलता रहा। ऊपर के लेवल पर तो खत्म हो गया कि गुरु बत्ती खत्म हो गई, कोई राजनीतिक नेता नहीं रहा, लेकिन निचले स्तर पर सिख धर्म चलता रहा। बाद में जब 1761 में पानीपत का युद्ध होता है और मुगलों का पतन होता है, पानीपत के युद्ध में मराठे मुगल सब पतन हो जाता है, मुगल वैसे ही पतन हो रहा था और पानीपत के बाद मराठों को टक्कर लगी, तो उस पानीपत की लड़ाई ने सिखों को फिर से एक नया जीवन दे दिया और फिर से सिख अपनी ताकत को इकट्ठा करते हैं और एक नया सिख साम्राज्य स्थापित होता है, जो महाराजा रणजीत सिंह के रूप में हम लोग देखते हैं, जिन्होंने एक बड़े लंबे समय तक सिख साम्राज्य को भारत की एक बहुत प्रमुख शक्ति बना के रखा, यानी सिख। इसके बाद बंदा बहादुर की फांसी के बाद इनका किस्मत का सितारा सिखों का डाउन हुआ जरूर, लेकिन सिख समाप्त नहीं हुए, वो चलते रहे। और बाद में जैसे ही मौका मिला, यानी 1761 में जब अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हरा दिया, उधर मुगलों का पतन हो रहा था, तो मुगलों का पतन और मराठों का पतन, मौका मिला, सिखों ने अपने ताकत फिर से इकट्ठा कर ली। तो फिर से हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे महाराजा रणजीत सिंह आते हैं और सिख सत्ता को फिर से अपने चरम पर पहुँचाते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।